नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका दिल्ली के जो है और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जताते नजर आए। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश की आशंका जताई, तो साथ ही साथ साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के शुगर वाले मामले में ईडी द्वारा पोल खोले जाने को लेकर वो बौखलाए नजर आए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हाल ही फिलहाल में ईडी ने बड़ा खुलासा किया था कि किस तरीके से टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के घर से आलू की सब्जी, पूरी, आम और मिठाई जो है वो आ रही है और इन सभी चीजों का वो सेवन कर रही है, मीठे से मीठे चीज खा रही है ताकि उनका शुगर लेवल जो है बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जो है रिहाई मिल जाए, उन्हें बेल मिल जाए। और इस के बाद अब संजय सिंह बौखलाए नजर आई और उन्होंने अब इसे लेकर बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद रेड्डी का भी जिक्र किया, क्या कुछ और कहते नजर आए इस दौरान संजय सिंह, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो शराब घोटाले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की डाइट को लेकर हंगामा मचा है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जेल डीजी की ओर से केजरीवाल की डाइट को लेकर जानकारी देते हुए दावा किया कि हद से ज्यादा मिठाई चीजें खा रही हैं। इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गहरी साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल के साथ जेल में किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, उनके साथ जेल में आतंकियों की तरह व्यवहार किया जा रहा है। संजय सिंह ने दावा किया कि सुनीता केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के साथ केजरीवाल की आतंकियों की तरह मुलाकात करवाई गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी, उपराज्यपाल दफ्तर और तिहाड़ जेल के अधिकारी गहरी साजिश के तहत भ्रामक और झूठी खबरें फैला रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने इसे लेकर राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। उन्होंने यह भी कहा कि जेल नियमों के मुताबिक किसी भी कैदी के बारे में उसके स्वास्थ्य या खान पान से संबंधित कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। संजय सिंह ने सवालिया लहजे में कहा कि ईडी ने किस अधिकार से अरविंद केजरीवाल का झूठा डाइट चार्ट जो है प्रचारित करवाया, क्या किसी बहाने से अरविंद केजरीवाल को जहर देने की साजिश की जा रही है, क्या साजिश है। उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है। ईडी के अधिकारी कह रहे हैं कि केजरीवाल खुद अपना शुगर बढ़ा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि हम राष्ट्रपति और चुनाव आयोग से शिकायत कर आम आदमी पार्टी के नेता को बदनाम करने की साजिश में शामिल जेल प्रशासन, एलजी ऑफिस और ईडी के अधिकारियों को निलंबन की मांग करेंगे। संजय सिंह ने पूछा कि अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही, यह आपराधिक कृत्य है और अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो लोग कल से ड्रामेबाजी कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। संजय सिंह ने कहा कि जेपी नड्डा बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे साथ राज्यसभा में है, खुद देश के गृहमंत्री अमित शाह को भी शुगर है, खुद मुझे भी 6 साल से डायबिटीज है, इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, देश माफ नहीं करेगा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी राजनीति के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है, क्या संघ की शाखा में यह सिखाया जाता है, इतनी नफरत मन में भर कर काम करने वाले लोग देश का कल्याण आखिर कैसे करेंगे। कैसे शुरू हुआ केजरीवाल की डाइट पर विवाद, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकीलों में राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर की थी। केजरीवाल के शुगर की बीमारी का हवाला देते हुए यह मांग की गई थी कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से कंसल्टेंसन लेने की इजाजत दी जाए। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कहा, जेल डीजी ने हमें केजरीवाल की डाइट भेजी है, देखिए क्या खा रहे हैं, आलू पूरी, केला, आम और हद से ज्यादा मीठी चीजें, हमने कभी नहीं सुना कि टाइप 2 शुगर का मरीज इस तरह की चीजें का सेवन जो है कर रहा है। जिसके बाद बकायदा संजय सिंह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, काफी कुछ वो और भी कह रहे थे, जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है उनका। कुख्यात से कुख्यात अपराधी अगर वो कह दे हमारे सीने में दर्द हो रहा है तो उसको तुरंत एम्स लेके भागते हो। कोरोना के समय में कोई एम्स में भर्ती था, कोई कहीं भर्ती था, कोई कहीं भर्ती था, मैं आपको शुगर लेवल बताता हूं अरविंद केजरीवाल का, बारह अप्रैल को अरविंद केजरीवाल की शुगर थी 320, 13 अप्रैल की थी 270, 14 अप्रैल की थी 300, 15 अप्रैल की थी 300, 16 अप्रैल की थी 250, 17 अप्रैल की थी 280, ये उनका शुगर लेवल है। तो आप मुझे बताइए कि ऐसी स्थिति में एक आदमी जो 20, 25 साल, 30 साल से शुगर का मरीज है, जिसको इंसुलिन लेनी पड़ती है, 54 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ती थी 24 घंटे में, उसको आप इंसुलिन नहीं दे रहे हो,
तो मुझे ये बात कहनी थी। सर और जेल प्रशासन से कुछ जानकारी मिली है और कोर्ट को ईडी के द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है उसमें जो रीडिंग है सुगर की और आप लोग जो बता रहे हैं इन दोनों में बहुत अंतर है। कोर्ट के द्वारा ईडी के द्वारा जो दिया गया है उसमें मैक्सिमम एक बार 280 है और आप लोग 300 सुपर कई बार बता रहे हैं, ये डेटा कहां से आया? आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के पास ग्लूकोमीटर है, मेरे पास भी था, कोर्ट ने परमिशन दिया था और उस ग्लूकोमीटर से किसी भी समय आप शुगर चेक कर सकते हैं, सो के उठने से लेकर रात के सोने तक तुरंत आपको रीडिंग बताएगा, पूरी हिस्ट्री उसकी आपको मिल जाएगी। इसलिए जो हम आपके सामने पढ़ रहे हैं वो 100% सही है। और बताइए आप। देखिए अब किसी के कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना, कोई सबूत होना चाहिए, कोई आधार होना चाहिए, हवा हवाई बातें। अरे साहब इनको इतनी रिश्वत दी, इन्होंने गोवा में खर्चा कर दिया चुनाव में, तो चलिए हम 10 स्टेटमेंट दिलवा दे रहे हैं, सब कहेंगे 5 करोड़ रुपए हमने अमित शाह को दिया, 10 करोड़ नड्डा जी को दिया, 20 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी को दिया, 100 करोड़ रुपए इनकी बॉम्बे यूनिट को दिया, 50 करोड़ रुपए इनके मध्य प्रदेश यूनिट को दिया और इन लोगों ने खर्चा कर दिया चुनाव में। न सिर है न पैर है आपकी जांच का, लोगों के स्टेटमेंट ले लेके दबाव बना बना के स्टेटमेंट ले लेके, वही आदमी कोर्ट में कह रहा है हम पे दबाव बनाया जा रहा है, फिर वही आदमी आपके दबाव में बयान दे दे रहा है, फिर उसी बयान के आधार पे ना आपको कोई तथ्य मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है, 1 रुपए की बरामदगी हो रही है, ना कोई संपत्ति मिल रही है, उठा के आपने पकड़ के जेल में डाल दिया। और हमको क्या कहा था, वो तो किंग पिन है, आप बोलिए मैं नहीं बोलूंगा, मुझे मना किया है कोर्ट में, आप बताइए मुझे क्या बोला था, पढ़ लीजिएगा कि मुझे भी क्या बोला था, मुझे तो रोका हुआ है कोर्ट ने इसलिए मैं नहीं बोल सकता। तो इसलिए ये किसको क्या बोल दे और बाद में उससे संबंधित कोई प्रमाण नहीं दे पाते। सर एक सवाल जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसको लेके है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, उसको किस हिसाब से? नहीं, कुछ स्टेट में बहुत ज्यादा हुई है वोटिंग परसेंटेज, तमिलनाडु में ज्यादा हुई है, बंगाल में भी अच्छी वोटिंग परसेंटेज है, तो अब मुझे तो लग रहा है जहां इन लोगों का गढ़ तथा कथित अपने आप को कहते हैं वहीं वोटिंग परसेंटेज डाउन हुई है, वहां के वोटर्स में उत्साह कम दिखा, तो ये किस ओर परिणाम संकेत दे रहे हैं आप समझ सकते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि कल जो हुआ है पहला चरण उसमें इंडिया गठबंधन की एक तरफा जीत होगी जब परिणाम आएगा, एक तरफा। उसी तरफ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल के लिए आशंका तो जता ही रहे हैं कि इनको जहर न दे दे और सारी चीजें कह रही है, तो दूसरी तरफ जो है संजय सिंह ने इस दौरान शरत सेंद्र रेड्डी का भी जो है जिक्र किया, वही व्यक्ति है जिसकी वजह से आज अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि शरत ने ही अरविंद केजरीवाल का नाम लिया था अपने बयान में, सका गया। उन्होंने कहा कि ईडी ने कहा कि शरत जो है वो लिक्विड जो दिल्ली शराब घोटाला है उसमें इसका किंग पिंग है। 20 जनवरी 2023 को उसके बेल एप्लीकेशन पर जो है हियरिंग हुई और उसे ईडी द्वारा प्रेशर देकर और उसे फोर्स करके उसके एम्प्लॉयज को साइन प्री डायरेक्टर स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने क्लेम किया कि जो एक्यूजिशन है वो 100 करोड़ रुपए के घोटाले का है जो दिल्ली सरकार के ऑफिशियल्स द्वारा किया गया, जो पूरी तरीके से निराधार है। संजय सिंह कहते नजर आए कि उसको 8 मई को बेल मिल गई बैक पेन के ग्राउंड पे कि उनके जो है बैक में पेन है। 2 जून 2023 को वो गवर्नमेंट के विटनेस बन गए और उसके बाद उसने 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को डोनेट किया है और उसको खुलेआम प्रधानमंत्री जी भी डिफेंड कर रहे हैं और अमित शाह भी डिफेंड कर रहे हैं, रिश्वतखोरी के पक्ष में मजबूती से खड़े हुए। अब मैं आपको बिंदुवार करके बताता हूं, ये जो शरत चंद्र रेड्डी है इसने जब इसको दिल्ली में ठेका मिला उसके बाद नवंबर 2021 से लेकर जुलाई 2022
22 के बीच में इसने 5 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 12 जनवरी को 3 करोड़ चंदा बीजेपी को दिया, 2 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, 12 जुलाई को 1.5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया। ये कब दिया? जब उसका ठेका यहां पे चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत खिला रहा था वो, उस समय। ये उसकी तारीख हो गई। अब आ जाइए 9 नवंबर 2022 को, उसको जब छापे हुए उसके घर पे, तो उसने कहा कि उसने किसी को रिश्वत नहीं दी है। ये उसका स्टेटमेंट है। 9 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी कहता है उसने किसी को रिश्वत नहीं दी। 10 नवंबर 2022 को शरद रेड्डी अरेस्ट हो जाता है। 15 नवंबर 2022 को फिर 5 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को देता है। 5 करोड़ रुपए चंदा 10 नवंबर को गिरफ्तार होने के बाद शरद रेड्डी 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए चंदा भारतीय जनता पार्टी को देता है। पार्टी विद द डिफरेंस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कमल छाप दारू घोटाला करके पैसा लेकर रिश्वत खाकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली पार्टी 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त पाती है। कब? 15 नवंबर 2022 को, जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो उसके अकाउंट कैसे चल रहे थे, जब वो ईडी के अरेस्ट में था तो अपने बैंक खाते से वो कैसे वो पैसा बीजेपी को ट्रांसफर कर रहा था। 6 जनवरी 2023 को उसकी एक चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है कि शराब घोटाले का किंग पिन है शरद चंद्र रेड्डी। ध्यान से सुनिएगा, 6 जनवरी 2023 को, 6 जनवरी 2023 को यानी कि उसकी गिरफ्तारी के बाद, 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तारी होती है, 6 नवंबर 2023 को उसकी चार्जशीट आती है जिसमें ईडी कहती है ये शराब घोटाले का किंग पिन है, मुख्य घोटालेबाज है और सबसे बड़ा लाभ उठाने वाला व्यक्ति है। होम मिनिस्टर जो है वो पूरे देश की जनता के सामने झूठ बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को लेकर संजय सिंह की बौखलाहट, क्योंकि शुगर वाले मामले में जब ये बात ईडी ने ये खुलासा जब कोर्ट में किया था कि इस तरीके से मामला सामने आ रहा है और इस तरीके से अब जो है संजय सिंह चीजें बोल रही हैं, संजय सिंह जो भी है गहरी साजिश के लिए बोले थे और संजय सिंह चीजें कह रहे थे कि आतंकियों की तरह बिहेव किया जाता है, और उसके बाद जब ईडी ने खुलासा कर दिया कि जानबूझकर सिर्फ जमानत चाहिए इसके लिए टाइप 2 के डायबिटीज पेशेंट होने के बावजूद उनके जो है अरविंद केजरीवाल के घर से ऐसी चीजें ऐसे खाने आ रही हैं जिसके वजह से उन्हें शुगर जो है ज्यादा बढ़ जाए, तो इससे समझ आता है कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें जमानत चाहिए, इस वजह से इस तरीके का खान पान जो उनके द्वारा खाया जा रहा है, उनके घर से आ भी रहा है इस तरीके का खाना। तो इस खुलासे के बाद अब आम आदमी पार्टी लगातार इस मामले को लेकर हमलावर नजर आ रही है और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई हादसा ना हो जाए इसकी आशंका जताती नजर आ रही है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, उस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद। 20 जनवरी 2023 को जब इसकी बेल एप्लीकेशन लगती है तो ये क्या कहता है अपनी बेल एप्लीकेशन में, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ हिज बेल एप्लीकेशन इन राउज एवन्यू कोर्ट शरद चंद रेड्डी एक्यूजेस ईडी ऑफ पुटिंग अनड्यू प्रेशर एंड यूजिंग फोर्स ऑन हिम एंड हिज एम्प्लॉयज टू साइन प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट्स। 20 जनवरी 2023 को शरद रेड्डी कहता है कि उसके ऊपर और उसके कर्मचारियों के ऊपर ईडी दबाव डाल रही है अपनी ओर से कहे गए और अपनी ओर से लिखे गए बयानों पर
हस्ताक्षर करने के लिए, बयानों को देने के लिए. ही क्लेम दैट द एक्यूजेशन ऑफ पेइंग 100 करोड़ ब्राइब टू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वॉज बेसलेस. 20 जनवरी 2023 को इस शरद रेड्डी कहता है कि 100 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को देने की बात पूरी तरह निराधार है, झूठी है. उसकी बेल एप्लीकेशन तो पड़ी होगी, पढ़वा लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिए. मीडिया के लोग जैसे आम पूरी मिठाई पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी मेहनत इस पे भी कर लीजिए. आम पूरी मिठाई आलू पे तो दिन रात मेहनत हो रही है, इस केस की पड़ताल तो कीजिए, सच तो लाइए देश के सामने. क्या हुआ है अरविंद केजरीवाल के साथ और क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि यह गहरी साजिश है. और कल गृह मंत्री के बोलने के बाद तो पूरे देश को यह जानना जरूरी है. आगे पढ़ रहा हूं. 26 अप्रैल 2023 जब शरद चंद्र रेड्डी को 6 महीने हो जाते हैं तब वो अचानक पलटी मारता है और 26 अप्रैल 2023 को वो बयान देता है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का कुछ हिस्सा, जिस बात को 20 जनवरी 2023 को इनकार कर रहा है, 26 अप्रैल 2023 को कह रहा है 100 करोड़ रुपए का रिश्वत का कुछ हिस्सा देने के लिए मैं एग्री किया था, मैंने सहमति दी थी. और इस बीच क्या होता है कि उसकी बेल जो है वो 20 जनवरी 2023 को रिजेक्ट हो जाती है ईडी के विरोध के बाद. जब वो मना करता है कि उसने कोई रिश्वत नहीं दी तो ईडी उसके बेल का विरोध करती है और उसकी बेल लोअर कोर्ट से रिजेक्ट हो जाती है. अब 8 मई 2023 को यही शख्स हाई कोर्ट पहुंचता है और हाई कोर्ट में कहता है, 26 अप्रैल को सुन लीजिएगा, याद कीजिएगा, 26 अप्रैल 2023 को उसने कह दिया हां कुछ हिस्सा हमने रिश्वत की देने की सहमति दी थी, 100 करोड़ की रिश्वत के कुछ हिस्से को हमने भी देने की सहमति की थी. 26 अप्रैल को यह कहता है और 8 मई 2023 को जब दिल्ली हाईकोर्ट में वो अपनी इंटरिम बेल फाइल करता है और कहता है, एक तरफ सत्येन जैन के इंटरिम बेल फाइल होती है, उनकी सर्जरी करानी होती है, 26-28 किलो वजन कम हो जाता है, उसका जमकर ईडी विरोध करती है, आप सबको पता है. लेकिन इतनी बड़ी बीमारी इसको हो जाती है 8 मई 2023 को कि ईडी उसकी बीमारी के एप्लीकेशन का विरोध नहीं कर पाती. अब आप सुनिए कितनी बड़ी बीमारी हो गई इसको. 8 मई 2023 को अचानक उसको एक इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है जिसकी बीमारी का ईडी विरोध नहीं करती और वो बीमारी है कमर दर्द. कमर दर्द. आप लोग भी कभी जेल जाइएगा तो याद रखिएगा, कमर दर्द के नाम पे आपको बेल मिल सकती है, सर्जरी के नाम पे नहीं मिलेगी लेकिन कमर दर्द के नाम पे मिल सकती है. कमर दर्द के नाम पे उसको बेल मिल जाती है. 8 मई को उसको बेल मिलती है 2023 में और 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है. 2 जून 2023 को वो सरकारी गवाह बन जाता है और उसके बाद वो 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है. 50 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देता है और कल गृह मंत्री जी पूरे देश के सामने झूठ बोल रहे हैं. एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पे बैठकर कह रहे हैं, अरे भाई अगर उसने हमारी मध्य प्रदेश यूनिट को चंदा दिया है, अगर वो आरोपी था तो उसको चंदा नहीं देना चाहिए था, इस तरह की बातें. आप देश के गृह मंत्री हो, ईडी
जांच करके चार्जशीट लगा रही है कि वो किंग पिन है, शराब का मुख्य घोटालेबाज है। उससे तो आपने रिश्वत ली, उसकी गिरफ्तारी के बाद आपकी पार्टी ने रिश्वत ली 55 करोड़ रुपए की। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई अब तक, कितने लोगों से पूछताछ हुई अब तक? हमारे नेताओं के घर से तो एक रुपए बरामद नहीं हुआ, उनको तो पकड़ के जेल में डाल दिया आपने। जिस व्यक्ति ने खुलेआम आपको 55 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद और 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी से पहले 60 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? तो आपने तो स्वीकार कर लिया कि आपने पैसा लिया है। मध्य प्रदेश यूनिट या बंगाल यूनिट या तमिलनाडु यूनिट, किस यूनिट को पैसा मिला, ये तो जांच शुरू करोगे तब पता चलेगा ना कैसे कैसे पैसा लिया, कहां से रूट होके आया। और आपको यह पता है कि मध्य प्रदेश यूनिट को मिला, इसका मतलब आपको पता था 55 करोड़ रुपए की रिश्वत आ रही है।